हमने ऐसा सुना है कि किसी भी देश का निर्माण जो है वो युवा करते हैं, और यही युवा यदि किसी देश में कदम ताल सही दिशा में आगे बढ़ाएं तो उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वर्तमान दौर में भी युवाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर देखी जा रही है, और ऐसे में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सियासी हलचल भरे केंद्र इंदौर में एक ऐसा वृहद आयोजन होने जा रहा है जिसमें रेड कारपेट भी बिछा है। तमाम युवाओं के बीच में युवाओं के आइकॉन इस मंच को सुशोभित करने वाले हैं, और साथ ही साथ युवाओं की बात है जो कि युवाओं के दिल से ही निकलेगी और युवाओं के दिल और दिमाग को छूने वाली है। आखिर ये पूरा आयोजन है क्या, किस तरह से युवा महाकुंभ की नींव रख रहे हैं, इस बड़े आयोजन की कमान संभाल रहे हैं मध्य प्रदेश के सबसे युवा MLA आकाश विजयवर्गीय। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय जी से, और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के बाद देश में युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में यह आयोजन कितना महत्वपूर्ण है, और कैसे उनके दिल में जहन में ये बात आई कि युवाओं के बीच में युवाओं के ही आइकॉन को लेकर आए ताकि युवाओं के मन की बात को भी सुना जा सके। इस वृहद आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान भी मौजूद होंगे जो कि संबोधन देंगे, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली भी इस आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। आकाश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपके मन में आया, दिमाग में आया, और कैसे आपने इसका पूरा कैनवास, इसका रेड कारपेट तैयार किया, और इस युवा महाकुंभ के जरिए आखिर क्या संदेश समाज को, देश को, प्रदेश को जाने वाला है? देखिए, हम लोग फील्ड पे काम करते हैं, उस दौरान एक चीज़ देखने में आई थी कि जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी उद्योग धंधे प्रभावित हुए हैं, कई सारे युवा जॉबलेस हुए हैं, डिप्रेशन में दिख रहे थे, कई बार मिलने जुलने आते थे तो ऐसा लगता था कि वाकई में काफ़ी तकलीफ़ में हैं। फिर अभी अभी आपने देखा होगा इंदौर में एक ड्रग्स का रैकेट बड़ा पकड़ाया, जिसमें जिम के ट्रेनर्स युवाओं को ड्रग्स देते थे और उनको आदी बनाते थे, और फिर वो और मांगते थे तो वो कहते थे यार आप हमारा सामान बेचो, उसके बाद हम आपको कराएंगे। तो कुल मिलाकर के डिप्रेशन, नशे की ओर बढ़ता युवा दिख रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहावत है कि खाली दिमाग अगर रहता है तो नेगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉबलेसनेस की वजह से, काम धंधे में कमी की वजह से युवा नशे की ओर, डिप्रेशन में जाता हुआ दिख रहा था। सुसाइडल टेंडेंसीज, सुसाइड के कई सारे केसेस, क्राइम कई सारा हम देखते हैं जो अच्छे अच्छे घर के युवा कमिट करते हैं। तो ऐसे समय में हमें लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को दरअसल विचार आया कि युवाओं का एक आयोजन होना चाहिए जिसमें, जिससे युवाओं को ऐसा लगे कि वो लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ, हमारी पार्टी उनके साथ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उनके साथ हैं। तो उनसे चर्चा हुई थी कि एक युवाओं का इस प्रकार का आयोजन करना चाहिए, तो मैंने ही उनसे आगे रह के निवेदन किया कि हम करेंगे आयोजन तो, मगर आप कार्तिकेय जी को हमारे आयोजन में ज़रूर भेजिएगा, उनका भी मैं देखता हूँ काफ़ी सक्रिय हैं फील्ड पे, अच्छे वक्ता भी हैं, तो मैंने सोचा मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि उनको भी आप भेजना, तो उन्होंने फिर मेरी बात स्वीकारी, तो फिर हमने ये आयोजन रखा है। कुल मिलाकर के इस अंधकार के समय में एक दिया जलाने का प्रयास है, युवाओं में नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, अच्छे थॉट्स आए, जैसे जो प्रांगण है अभय प्रशाल जहाँ पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हमने जो सजावट है पूरी विवेकानंद थीम पे की है, विवेकानंद जी के चित्र, उनके विचारों की प्रदर्शनी लगाई है, तो युवाओं को, कौन से युवा को किस कोर्ट में क्या मार्गदर्शन मिल जाए, क्या दिशा मिल जाए, कोई भरोसा नहीं, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि नेगेटिविटी से युवा दूर हो, सही दिशा में चले, और इसी विषयों पर हम लोग अपने उद्बोधन भी हमने प्लान किए हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर युवा चल सकें, इसी बात को फोकस करके हमारे उद्बोधन भी रहेंगे, तो
कुल मिला के एक अंधकार के समय में दिया जलाने का हमारा ये प्रयास। बड़ी बात है, नेक इरादे हैं और नेक मकसद है और उद्देश्य भी बहुत ईमानदार है। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद की थीम पर जो है पूरा आयोजन यहाँ पर कहा जा सकता है एक तरह से डिज़ाइन किया गया है, और जिस तरह से कोरोना काल ने कई बड़े पैमाने पर नकारात्मकता का संप्रेषण किया है समाज पर, और खासतौर पर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित यदि कोई वर्ग हुआ है तो वो युवा वर्ग है, और इन दिनों बेरोजगारी की समस्या से भी दो चार हो रहा है आज का नौजवान। शायद इसी चिंता को दृष्टिगत रखते हुए ये पूरा आयोजन यहाँ पर तैयार किया है विधायक आकाश विजयवर्गीय ने, और सीधे तौर पर कहा जाए तो लगातार बढ़ रही नकारात्मकता में एक दिया जलाने का प्रयास वो कर रहे हैं, ऐसा मानना है विधायक आकाश विजयवर्गीय का। आकाश जी, आपके बारे में हमने सदैव से देखा है, कभी आप अध्यात्म के बहुत गहराई में नजर आते हैं, चाहे वो बात आपकी पुस्तक देव से महादेव की हम कर लें या अन्य धार्मिक आयोजनों की कर लें या ओम नमः शिवाय के जाप के मंत्रों की कर लें। अब ये बड़ा जो आयोजन है इसे किस तरह से एक मील का पत्थर माना जाएगा आने वाले कल में, और आपको लगता है कि जब इस मंच पर कार्तिकेय सिंह चौहान होंगे, आकाश विजयवर्गीय होंगे और रेसलर खली होंगे, तो किस तरह का संदेश जो लगता है युवा जो है वहां से ग्रहण करके जाएंगे और कितनी संख्या में युवा इस आयोजन में इससे जुड़ने वाले हैं? देखिए, मेरा हमेशा से मानना है कि राजनीति जो हम लोग करते हैं वो व्यवस्था के विकास के लिए होती है, सड़क, बिजली, पानी, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं शासन प्रशासन की। मगर मेरा हमेशा से मानना रहा है कि व्यवस्था के साथ साथ व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है। तो उस वही कारण है कि मैं अन्य गतिविधियों में भी जुड़ा रहता हूँ, जैसे अध्यात्म, ओम नमः शिवाय और ये इस प्रकार के आयोजन हम लोग करते आते हैं, क्योंकि युवा ही देश है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। मतलब आप अगर आपको कोई देश को समझना है तो उसके युवा को समझो। अगर युवा डिप्रेशन में है, युवा नशे में लिप्त है, मतलब वो देश का भविष्य अंधकार में है, और अगर युवा सही दिशा में चल रहा है तो वो देश का भविष्य उज्जवल है, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंधकार से प्रकाश की ओर चलने का हमने ये प्रयास किया है, और हमें उम्मीद है कि कल जो भी युवा वहाँ पर आएंगे उन्हें निसंदेह एक प्रकाश की किरण दिखेगी और एक दिशा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो दिशा युवाओं को। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए बड़ी बात है, यहाँ पर एक दिशा निर्धारण का भी जो है काम करने वाला है ये बड़ा आयोजन, और देखना बहुत लाजमी होगा कि किस तरह से युवा इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, किस किस जिलों से, कौन से राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं और क्या कुछ यहाँ से लेकर जाते हैं। आकाश जी, एक सवाल मेरे जहन में था, आप चूंकि राजनेता हैं और स्थापित तौर पर कहा जाए तो विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, कार्तिकेय सिंह चौहान भी लगातार राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं, अब सक्रिय राजनीति में नजर आने लगे हैं, लेकिन ये रेसलर खली कहाँ से आ गए, इनको बुलाने के पीछे मकसद क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव आपको लगा कि खली भी इस आयोजन से जुड़ना चाहिए? देखिए, एक्चुअली खली जी एक हमारा यहाँ पे परिचित है, मित्र है, कार्यकर्ता है, वो खली जी से जुड़ा हुआ था, तो उसने मतलब जैसे मेरा एक पिछला आयोजन हुआ था, मैंने मतलब एक वीडियो बनाया था ओम नमः शिवाय का, तो खली जी ने उसमें अच्छे शुभकामनाएं दी थी और प्रचार प्रसार भी किया था उस वीडियो के लिए। मेरे बर्थडे पे उन्होंने हमसे सबसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात की, मतलब इस तरह से एक जुड़ाव उनसे बन गया था। तो मैंने उनसे कह रखा था कि जब भी कोरोना कम होगा हम एक कार्यक्रम करेंगे, आपको बुलाएंगे, इत्तफाक से यही कार्यक्रम आ गया। और खली जी का भी जैसे जो बैकग्राउंड है, बहुत छोटे से ग्रामीण परिवार में पंजाब के जन्मे हैं और वहाँ से अमेरिका में जाकर के उन्होंने नाम कमाया है, तो ये भी निसंदेह एक अपने आप में प्रेरणादायी बात है। तो कहते हैं ना कि कई बार आप पढ़ने और सुनने के साथ साथ कभी कभार किसी के दर्शन से भी, किसी सफल व्यक्ति के दर्शन से भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम लोग वहाँ पर चर्चा तो करेंगे, मगर खली जी की यात्रा भी वैसी कुछ रही है, छोटे से व्यक्ति से लेके उन्होंने अमेरिका में जाके नाम किया, तो कहीं ना कहीं युवाओं को उनसे भी प्रेरणा मिलेगी, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसी आयोजन में उन्हें इन्वाइट कर। चलिए बड़ी बात है, संघर्ष से कैसे सफलता हासिल की जा सकती है,
कैसे सही मायनों में शिखर को छुआ जा सकता है, कुछ ऐसी ही कहानी है अंतर्राष्ट्रीय रेसलर खली की। शायद यही वजह है कि वो युवाओं के बीच होंगे, युवाओं के बीच में उनकी लोकप्रियता भी है और जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी का फलसफा जो है वो आज के युवाओं को एक पाठ पढ़ा सकता है। जाहिर सी बात है इसीलिए युवा महाकुंभ में वो शोभा बढ़ाएंगे, ऐसा मानना है विधायक आकाश विजयवर्गीय जी का। आकाश जी, इन दिनों हम देख रहे हैं कि राजनीति में भी युवाओं की भागीदारी और युवाओं का दखल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और ख़ासतौर पर आपकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में तो हम इन दिनों युवा लहर देख रहे हैं। क्या ये माना जाए कि ये आने वाले कल की नई पीढ़ी, नए नेतृत्व की आहट भी है, और इसी रेड कारपेट से आगाज़ हो जाएगा कि आने वाले कल की जो भाजपा है वो युवा होने वाली है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो शिवराज सिंह जी, वी डी शर्मा जी, वाकई में बधाई के पात्र हैं। इन्होंने जो अभी हमारे संगठन के अंदर जो एक नियम बनाया था कि मंडल अध्यक्ष 35 से कम के होंगे, नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 35 के आसपास होंगे, मतलब यूथ होगा, और बातें करना अलग बात है मगर इन लोगों ने एग्जीक्यूट करके दिखाया। हर पूरे आप जिले में जाओ, सारे मंडल अध्यक्ष 35, सारे नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष 35 से 45 के बीच के हैं। मतलब ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम है। मैं आपको बताता हूँ, जब सिंधिया जी पहली बार हमारे घर पे आए थे तो मैंने मिलवाया उनको कि ये हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष हैं। बोले वायर, ये तो एकदम यंग लड़के हैं। मैंने बोला अभी पार्टी ने, मैंने उनको भी बताया कि ये बहुत क्रांतिकारी कदम पार्टी ने उठाया है कि नए नए लड़कों को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी में दी है। तो वाकई में शीर्ष नेतृत्व उसके लिए बधाई के पात्र हैं, और देश के सभी युवा बहुत बहुत बधाई के पात्र। तो ये माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जब भाजपा में एंट्री हुई उसके बाद ये युवा फैक्टर आया कि इस पर काम पहले से ही चल रहा था, आपका क्या आकलन है? नहीं, ये जो हमारे मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी तो उसके पहले के ही हैं, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपने सिंधिया जी की आपने बात छेड़ी है, तो निसंदेह उनके आने के बाद तो और बड़ी संख्या में युवा भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हुआ है। बड़े नेता हैं और बहुत क्रेज़ है उनका युवाओं में, हर वर्ग में है मगर युवाओं में तो बहुत है, तो निसंदेह उनकी वजह से तो बहुत बड़ी संख्या में युवा जुड़े ही हैं भाजपा से। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर तमाम जब युवा चेहरे आगे आएंगे, नेतृत्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में न केवल शुचिता आएगी बल्कि राजनीति में नई ऊर्जा का संचार भी होगा। और सीधे तौर पर कहें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे जो तमाम चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में एक उम्मीद के तौर पर देखे जाते हैं। अगर ये लगता है कि आपकी सरकार केंद्र में भी राज्य में भी युवाओं की चिंता करती हैं सरकारें, क्या वाकई में सही मायनों में सरकारों को कोई युवा नीति भी बनानी चाहिए? कई बार मांग उठती है कि राज्य में युवा आयोग का गठन हो ताकि युवाओं की सुनवाई करने वाला एक जिम्मेदार ओहदा वहां पर हो जो कि युवाओं की सुनवाई कर सके, युवाओं से जुड़ी जो समस्याएं हैं, फिर वो चाहे रोजगार की बात करें या अन्य तमाम मसलों की बात करें। आपको लगता है आप इस बात की पैरवी करते हैं कि युवाओं के लिए भी एक मंत्रालय अलग से होना चाहिए, युवाओं के लिए आयोग होना चाहिए और युवाओं की सुनवाई करने के लिए युवा नेतृत्व को मौका मिलना चाहिए? देखिए, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जो मौका दिया है, स्वाभाविक सी बात है, जैसे मैं हूँ तो मुझसे ज़्यादा तादाद में युवा ही जुड़े हैं क्योंकि मैं एक युवा हूँ, तो जो आदमी जैसा रहता है उससे वैसे ही लोग जुड़ते हैं। तो जो पार्टी ने युवाओं को अवसर दिया है तो अब युवा ही ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से नए जुड़े हैं, और जब वो जुड़ जाते हैं, जैसे मैं विधायक हूँ, अन्य पदाधिकारी हैं, उनसे जब जुड़ते हैं तो निसंदेह उनकी समस्या अपने आप सामने आती है और उसका निराकरण भी हम लोग करते हैं। तो विभाग बने तो भी अच्छा है, ना भी बने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही विभाग से सारे काम होते हैं, हर विभाग से युवा का काम पड़ता है, हर विभाग से काम होते हैं। तो मुझे लगता है पार्टी ने 75-80% काम तो कर ही दिया है, और अगर आयोग बन भी जाता है तो भी अच्छा ही है, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। युवाओं पे स्पेसिफिकली फोकस होगा उस पर सरकार की दृष्टि से, तो वो भी अच्छा ही होगा, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ यदि होता है। चलिए, बड़ी बात है, चूंकि युवा एमएलए हैं तो युवाओं की बात उठाते हैं, पुरजोर तरीके से युवा वर्ग तक पहुँचाते हैं, और चूंकि सत्ता में भी भागीदारी रखते हैं आकाश विजयवर्गीय, लिहाजा हर बात को पूरी मजबूती के साथ सरकार के नुमाइंदों के कानों तक भी पहुँचाते हैं। हमने ऐसा सुना आकाश जी कि ये जो कार्यक्रम है इसमें क्या पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी होने वाली है कई युवा चेहरों की, क्योंकि आने वाले समय में निगम चुनाव हैं तो कई ऐसे युवा चेहरे हैं जो कि पार्षद बनना चाहते हैं। हम कार्तिकेय सिंह चौहान जी की बात करें तो सक्रिय
राजनीति में वो जरूर कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा आयोजन अब तक मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। मुझे जहाँ तक जानकारी, ये पहला ऐसा आयोजन होगा जहाँ पर मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान संबोधन भी देंगे और बतौर अतिथि इस पूरे कार्यक्रम का आगाज भी करेंगे। क्या लगता है आपको, ये पॉलिटिकल लॉन्चिंग भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी समय से कार्तिकेय सक्रिय हैं और कई सारे इस प्रकार के आयोजन हो भी चुके हैं। युवा कुंभ के नाम से जरूर नहीं हुआ है, मगर दो दो तीन तीन हज़ार लोगों की सभाओं को संबोधित वो कई बार कर चुके हैं। कई सारे चुनावों में उनके कार्यक्रम इस प्रकार के हुए हैं। अपने पिताजी की जो विधानसभा है वो तो देखते हैं, आसपास के क्षेत्रों का डेवलपमेंट वर्क्स भी देखते हैं, और सोशल मीडिया आईटी जो पूरी मुख्यमंत्री जी का भी, उसमें भी उनका बड़ा हस्तक्षेप रहता है। तो कुल मिला के वो हर तरह से एक्टिव हैं ऑलरेडी, काफ़ी समय से मतलब सक्रिय हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये उनकी या किसी और की लॉन्चिंग है। जैसा कि मैंने आपके सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया था कि ये युवाओं को ध्यान में रख के, उनकी आज की जो कंडीशन है उसको ध्यान में रख के और उससे उस कंडीशन को बेहतर करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम है, एकमात्र उद्देश्य इस कार्यक्रम का। चलिए, बड़ी बात है, युवा हैं, वायु बह रही है और ये बहुत रफ्तार से बह रही है, जो कि आने वाले कल में एक नए नेतृत्व को भी दस्तक दे रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार सत्ता में रहने का अब अनुभव रखती है, उस पार्टी में एक युवा जोश भी भर रही है। और ये जो इंदौर में होने वाला बड़ा कार्यक्रम है, इसमें ना केवल कार्तिकेय सिंह चौहान, आकाश विजयवर्गीय, बल्कि कई ऐसे युवा जुटेंगे जो कि सीधे तौर पर समाज को मजबूती भी देंगे। और लॉकडाउन के बाद के भारत में युवाओं की क्या भागीदारी होना चाहिए, सकारात्मक दिशा में समाज का निर्माण कैसे हो, ये संदेश भी इस आयोजन से निकलकर पूरे देश में जाने वाला है। अगर जी, ये नए नए कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से आते हैं? जैसे हमने पहले देखा है तो देव से महादेव पुस्तक का लॉन्चिंग हुआ, तब भी हमने देखा कि बाबा रामदेव और देश के कई नामचीन साधु संत और चेहरे उस मंच पर मौजूद थे। उसके बाद आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जो जाप है वो अलग अलग विधानसभाओं में कराया, युवाओं का एक बड़ा नेटवर्क आपने मध्य प्रदेश में तैयार कर दिया और अब आप युवा महाकुंभ ले आए हैं। क्या ये आपको आइडियाज़ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी देते हैं, जो कि आपके पिता हैं, या फिर ये आइडियाज़ आपको स्वयं से आते हैं? देखिए, कई बार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी भी देते हैं, कई बार हमारे अन्य वरिष्ठ नेता भी देते हैं, कई बार मुझे मतलब भगवान भोलेनाथ की मैं आराधना करता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, उस दौरान भी आते हैं। बाकी वाकई में ये ईश्वरीय क्रिया ही मानता हूँ मैं तो, क्योंकि जैसे ये वाला जो कार्यक्रम है ना, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ये कहाँ, ये इस स्तर तक कहाँ से आया। दरअसल मैं युवाओं के बीच में सक्रियता से काम करता हूँ, मगर कोरोना काल के कोरोना में लॉकडाउन और इन सब की वजह से कई दिनों से युवाओं के बीच में काम नहीं कर पा रहा था, वरना मैं क्रिकेट टूर्नामेंट, ओम नमः शिवाय के जाप, कांवड़ यात्रा, इन सब के माध्यम से उनसे मिलता जुलता रहता हूँ, उनसे संपर्क में रहता हूँ, मगर कोरोना काल की वजह से नहीं रह पा रहा था। तो मैंने हमारे जो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा 3 के कार्यकर्ता हैं, उनसे कहा था कि तुम्हारे अपनी विधानसभा में जितने भी युवा हैं, 16 से 30 साल के, 35 साल तक के, सबकी सूची बनाओ, सबको हम लोग घर घर कोरोना सुरक्षा किट वितरण करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा था। तो हमने यही बहाना लगा कि यार चलो इसी बहाने युवाओं से संपर्क हो जाए। तो उन्होंने घर घर गए, सबकी सूची बनाई, हमने कोरोना सुरक्षा किट तैयार किए, जिसमें काढ़ा, मास्क, सैनिटाइजर्स, भगवान शंकर का चित्र, ये सब है। वो फिर उन्होंने लिस्ट बनाई, मैंने बॉक्सेस तैयार कर लिए, किट्स तैयार कर लिए। फिर हमने सोचा कि चलो अब एक आयोजन करके उन सभी युवाओं को बुला के वितरण करते हैं। फिर मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि युवाओं पे थोड़ा सा फोकस करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप कार्तिकेय जी को भेजते हैं तो हम एक बड़ा आयोजन कर लेते हैं। तो हमारी लगभग तैयारी थी, उसको कार्तिकेय आ रहे हैं तो और उसका बड़ा स्वरूप हो गया। पहले हम लोग हमारे क्षेत्र के किसी गार्डन में करने का सोच रहे थे, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अभय प्रशाल में करें और पूरे शहर से युवाओं को आमंत्रित करें। तो 3 तारीख को इस तरह से कार्यक्रम अभय प्रशाल पहुंच गया। चलिए, बड़ी बात है, शिव भक्त हैं और कैलाश जी के सुपुत्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो शिव भक्ति करता है उसे एक शक्ति जरूर शिव जी देते हैं, और शायद उसी शक्ति का ये
कमाल है कि इस तरह से युवाओं को जोड़ने का जो एक बड़ा ख्याल है, एक नेक इरादा है, वो MLA आकाश विजयवर्गीय ने तैयार किया, जो कि अब मूर्त रूप लेने वाला है और कुछ ही घंटों बाद इंदौर में युवा महाकुंभ होने वाला है। आकाश जी, बहुत सारा समय ले लिया, जाते जाते नगर निगम चुनाव हैं, युवाओं की आप पैरवी कर रहे हैं, क्या युवा महापौर होना चाहिए इंदौर का आपको लगता है, युवा पार्षद होना चाहिए इंदौर में आपको लगता है, क्योंकि युवा ही वो चेहरे हैं, युवा ही वो नेतृत्व हैं जो कि आने वाले कल में शहर का विकास अच्छे से कर सकते हैं, सुनियोजित तरीके से राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। देखिए, महापौर वो व्यक्ति होना चाहिए जो जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सके, उनकी समस्याओं को दूर कर सके, शहर का विकास कर सके, सुख समृद्धि शांति लोगों में आए, उसके लिए काम करे। इंदौर जो नंबर वन स्वच्छता में है, हर क्षेत्र में नंबर वन बने, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे डेवलप हों, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, तो हर क्षेत्र में काम हो, ऐसा व्यक्ति जो इन सभी क्षेत्रों में काम कर सकता है वो बनना चाहिए। हाँ, युवाओं में ऊर्जा उत्साह उमंग रहता है, इसलिए यदि पार्टी युवा को देती है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मगर हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत ही सक्षम है किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए, तो मुझे लगता है कि वो हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर ही छोड़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वो जिसे भी तय करेंगे हमारा उम्मीदवार, हम पूरी ताकत से उसे जिताएंगे और रिकॉर्ड बहुमतों से भारतीय जनता पार्टी का मेयर इंदौर में बनेगा और शानदार काम होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस कोई चुनौती नहीं, कांग्रेस के पास ना कोई ऊपर नेता है, ना नीचे नेता है, ना कोई सोच है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है। देखिए, उन्हें जनता ने अवसर दिया, सरकार बनाने का अवसर दिया, मगर उन्होंने जो डकैती की, मतलब मैं तो कहूँगा कि जहाँ से जो पैसा मिल रहा है वो लूटने में लग गए, बिल्कुल भी जनता में ध्यान नहीं दिया। 15 महीने में नेताओं ने मतलब 100-100, 200-200 करोड़ रुपए कमा लिए, जिससे मन आ रहा है किसी से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख मांग रहे हैं, छीन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, जो वादे किए थे 2 लाख माफ़ करेंगे, युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देंगे, कुछ भी पूरा नहीं किया, तो ईश्वर ने और जनता ने उन्हें बता दिया। तो दोषी कौन था, कमलनाथ जी थे, दिग्विजय सिंह जी थे या और कोई था? नहीं, देखिए, दोषी तो ऐसा सच, मतलब पूरी सरकार को, उन्होंने झूठे वादे किए कि हम 2 लाख का कर्ज माफ़ करेंगे, 4,000 रुपये युवाओं को बेरोज़गारी भत्ते देंगे, मुख्यतः इन 2 बातों पे उनकी सरकार आई, उन्होंने दोनों ही वादे पूरे नहीं किए। उसके बाद एक्चुअली क्या, प्रशिक्षण बिल्कुल नहीं है कांग्रेस में, कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि जनता की सेवा कैसे करते हैं। मतलब कोई काम करने आता है तो उससे पैसे लेके काम कराना उनको ऐसा लगता ही नहीं कि बुरा है, मतलब उनको कोई प्रशिक्षण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब मुझे तो गर्व है कि इस प्रकार की दुर्लभ पार्टी का मैं सदस्य हूँ। बहुत ही अद्भुत भारतीय जनता पार्टी है, बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है और उसी का परिणाम है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के 3/4 भागों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, ऊपर से नीचे तक ढर्रा ही कांग्रेस का खराब है। चलिए, बड़ी बात है, जिस राजनीतिक दल का ढर्रा ही खराब हो जाता है, जाहिर सी बात है जनता उसे रिजेक्ट कर देती है। और यहाँ पर MLA आकाश विजयवर्गीय बहुत सूझबूझ के साथ जवाब दे रहे हैं और सियासी तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर एक बड़ी नसीहत भी MLA आकाश विजयवर्गीय जी ने दी है। आकाश जी, जाते जाते कैसे युवाओं से अपील करेंगे, MP न्यूज़ के दर्शकों से कैसे अपील करेंगे कि वो भी इस आयोजन से जुड़ें, और युवा क्या चाहता है, युवा के मन में क्या है, युवा के जहन में क्या है, युवा की आंखों में सपना क्या है, वो सपना कैसे साकार होगा, कैसे बताएंगे युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय इस आयोजन के जरिए? सबसे पहले तो मैं हमारे सभी युवा साथियों को 3 जनवरी रविवार शाम 4 बजे अभय प्रशाल में होने जा रहे युवा महाकुंभ के लिए सादर आमंत्रित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो आप मान के चलना कि ये एक टेम्प्ररी फेज़ है, निकल जाएगा। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, आप पूरी मजबूती से खड़े रहें। अगर समय ठीक नहीं लगता तो
बहुत तेज़ी से नहीं तो धीरे धीरे आगे बढ़ें, सोच समझ के आगे बढ़ें, मजबूती से आगे बढ़ें। और मेरा पूरा विश्वास है कि युवा में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी विकट परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है यदि वो सोच समझ के काम करें। तो सोच समझ के काम करें, अंधेरा ज़रूर छटेगा और अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और इस पूरी यात्रा में हम मैं एज एन इंडिविजुअल और हमारी पूरी पार्टी, हमारी सरकार आपके साथ है। और इसी बात पर चर्चा अधिक करने के लिए हमने 3 तारीख को युवा कुंभ का भी आयोजन किया है, इसलिए मैं एक बार पुनः आपको उसमें भी आमंत्रित करता हूँ और उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी युवाओं को शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए, तो ये थे आकाश विजयवर्गीय, जो कि साफ तौर पर युवाओं को युवा एक संदेश भी दे रहे हैं। और ये भी कहा जाए कि युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वायु की रफ्तार भी बढ़ती है, और जब वायु तेज होती है तो लहर बन जाती है। और ये लहर बनाने का काम कर रहे हैं आकाश विजयवर्गीय। ये युवा लहर न केवल हिंदुस्तान के दिल MP में दिखाई दे रही है, बल्कि लगता है कि आने वाले कल में पूरे देश में युवा लहर चलने वाली है। शायद यही वजह है कि इस तरह के युवा महाकुंभ अब पूरे देश में हो सकते हैं, और आने वाले कल में हम कई ऐसे चौंकाने वाले युवा चेहरों को राजनीति में नेतृत्व करते देख सकते हैं। ये बहस कहा जा सकता है ये महज एक आगाज है, आने वाले कल में अंजाम भी युवा होगा, और युवाओं को सही दिशा देने का काम ये बड़ा आयोजन करेंगे जिसके आयोजनकर्ता हैं विधायक आकाश विजयवर्गीय जी। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने समय दिया और इस पूरे आयोजन का क्या प्रारूप है हमारे MP न्यूज़ के दर्शकों के साथ साझा किया। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ, जो अब अवेलेबल है JioTV पर भी पूरे देश भर में। लगातार बने रहें MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।